सोशल मीडिया पर मजेदार रील्स बनाकर हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले युजवेंद्र चहल अपने इसी आदत के कारण एक बार फिर काफी शर्मिंदा हुए थे। दरअसल स्टार लेग स्पिनर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी थी जिसके बाद उनके लिए माफी तक मांगने की नौबत आ गई थी। तो आखिर कब हुआ था ये पूरा वाक्या? जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी हरकतों के कारण बुरे फंसे थे युजी चहल। इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। युजवेंद्र चहल चुनिंदा भारतीय क्रिकेटरों में से एक हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, क्योंकि स्टार लेग स्पिनर इंस्टाग्राम हो या ट्विटर, हर जगह काफी एक्टिव रहते हैं। कई मजेदार स्टोरीज, पोस्ट और रील्स शेयर कर काफी सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन चहल के साथ एक ऐसा वाकया हुआ था जब उन्हें लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ा था। दरअसल बात 2012 की है, जब यूजी चहल आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे। यूजी को शुरुआती मैचों में ज्यादा मौका नहीं मिलता था, ऐसे में वो सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ हुई उनकी चैट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया था और मामला इतना बढ़ गया था कि यूजी को इस पर सफाई भी देनी पड़ी थी। और दोस्तों, ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। एक बार तो यूजी ट्विटर पर मैसेज कर एक लड़की का नंबर मांगते भी रंगे हाथों पकड़े गए थे। दरअसल हुआ यूं कि नीलूनी नाम की 20 साल की लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। इसमें यूजी की ओर से डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज किया गया था और तब ये समझा गया कि यूजी को लड़की की फोटोज बेहद पसंद आई थी। ऐसे में शायद उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसे डीएम का रुख किया, पर उस लड़की ने यूजी के साथ हुई चैट सार्वजनिक कर दी और इस पर लिखा कि 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले इस आईडी के लोग क्यों अचानक मुझे मैसेज कर रहे हैं। अब भारतीय लेग स्पिनर ने वो स्टोरी जब देखी तब उन्होंने ये महसूस किया कि इससे उनकी छवि खराब हो सकती है। उन्होंने तुरंत ही मैसेज करने के लिए माफी मांगी और ये कहकर सफाई दी कि ये उसका दोस्त था जिसने ये मैसेज किए थे, इसके लिए वो उन्हें माफ कर दें। हालांकि लड़की ने पहले तो ओके लिख दिया लेकिन बाद में इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिससे इस गेंदबाज की तब लोगों के बीच काफी फजीहत हुई थी। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 की शुरुआत में भी यूजी ने 2012 में उनके साथ हुए हादसे के बारे में बात कर सबको चौंका दिया था। हालांकि इसमें यूजी ने बताया था कि जब वो एमआई के लिए खेलते थे तब कैसे एक दिन दो स्टार क्रिकेटर अचानक उनके कमरे में आ गए और मजाक मजाक में उन्हें 25वें मंजिल की बालकनी से नीचे लटका दिया था और उन्होंने चहल को बांध भी दिया था। तब किसी तरह रूम सर्विस के लिए आए वेटर्स ने उन्होंने खुद को आजाद कराया था। यूजी के इस खुलासे के बाद दिग्गज खिलाड़ियों ने भी उन दो खिलाड़ियों को बेनकाब करने और सजा दिलवाने की बात कही थी। और अब युजवेंद्र चहल को लेकर एक और मजेदार कहानी रातों रात सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि वो काफी पहले की बात थी और तब से लेकर अब तक चहल ने इंडियन क्रिकेट में काफी लंबा सफर तय कर लिया है और फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में पहले स्थान पर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ज्यादा क्या पसंद आता है, चहल की इंस्टा रील्स या फिर उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना